नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम प्रजापत स्वागत करता हूं आपका केजीएस न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय पर 25 नवंबर 2023 को विधानसभा चुनाव होने हैं। क्षेत्र में 48 घंटे पहले आचार संहिता सक्रिय हो गई है, मगर प्रशासन की अनदेखी के चलते कई वार्डों, गलियों, चौराहों सहित शहर के कई क्षेत्रों में प्रत्याशियों के पोस्टर, बैनर, झंडियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जो कि आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन है। हम आपको बता दें कि जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के निर्देश अनुसार मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व 23 नवंबर को साय 6 बजे से 25 नवंबर मतदान समाप्ति तक जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 जिले में लागू है, जिसमें कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर, बैनर, झंडी नहीं लगा सकता। पूर्व में लगे पोस्टर, बैनर, झंडियों को हटाने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी, मगर प्रशासन द्वारा अभी तक कई जगह से पोस्टर, बैनर, झंडी नहीं हटा गए। पूर्व 23 नवंबर से पहले ही प्रशासन द्वारा परमिशन लिए हुए बैनर को शिकायत पर हटवाया गया, जबकि जिला प्रशासन के आला अधिकारी निरीक्षण पर रहते हैं, शायद उन्हें पोस्टर, झंडी, बैनर दिखाई तक नहीं देते। आज दिनांक 24 नवंबर दोपहर 12 बजे तक भी लगे हुए हैं। इसका जिम्मेदार आखिर कौन, प्रशासन की लापरवाही या फिर अनदेखी? आइए देखते हैं संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।